हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फूड किचन लैब में। और आज हम लोग साबूदाने की खीर को एक नया सा ट्विस्ट देने वाले हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो साबूदाना खीर। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आई एम श्योर इस तरह की खीर आप लोग ने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस खीर को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करेगा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि मैंगो सिर्फ गर्मी के सीज़न में मिलता है, इसलिए आप इसको इसी समय बना के खा सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी, और उसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर। तो यहाँ पे हम लोग पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का सा गुनगुना रखिएगा, ताकि जो मिल्क पाउडर है उसमें अच्छे से घुल जाए। मिल्क पाउडर से जो ये खीर है उसमें एक अच्छा सा गाढ़ापन आता है और एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1.5 कप दूध लिया है। ये हमारा फुल फैट क्रीम मिल्क जो आता है वही वाला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हमको अच्छे से बॉयल करना है। तो बीच बीच में चलाते हुए हम लोग इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि जो आम हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो भी आपका हल्का सा मीठा रहेगा, इसलिए शुगर हम लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ 3 चम्मच ही इसमें चीनी ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग ने जो मिल्क पाउडर का घोल बना के रखा है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, और इसको भी इसमें डाल के हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए दूध को हमको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, जिससे जो खीर है वो हमारी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो हम लोग इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है और फ्रेश मावा घर में है तो उसको भी हम लोग डाल सकते हैं। अगर फ्रेश मावा नहीं है तो इसमें हम लोग ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है जिससे आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे जो आपका दूध है बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर में दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम लोग डालेंगे अभी 2 कप पानी, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। तो यहाँ पे ये मीडियम साइज़ के साबूदाने का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग ने भिगोया नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे इसको 10 से 15 मिनट पकने में लग जाएगा। और अगर आपके पास भीगे हुए साबूदाने हैं तो यही प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम लोग पानी डाल के साबूदाने को अच्छे से पका लेते हैं, जब तक कि जो साबूदाना है ट्रांसड्यूसेंट ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं साबूदाना अच्छे से अब पक चुका है। यहाँ पे इसमें बीच में मैंने पानी की मात्रा और ऐड की थी। अगर आपको लग रहा है कि साबूदाना नहीं पक रहा है और पानी कम हो रहा है तो पानी हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए साबूदाना अब अच्छे से पक चुका है। गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर रखी है 1 छन्नी। अब ये जो साबूदाना है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये जो प्रोसेस है आपको गर्म में ही करनी है, साबूदाने के ठंडे होने के बाद इस प्रोसेस को हमको नहीं करना है। अब जब साबूदाना हम लोग ने छन्नी में डाल दिया है, इसको अब हम लोग धोएंगे ठंडे पानी से, जिससे जो साबूदाने का कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, और क्योंकि आप जानते हैं कि साबूदाने में कितना ज़्यादा स्टार्च होता है वो भी इससे निकल जाएगा। तो ये हो गया स्टार्च, अलग हो गया स्टार्च का। हम लोग जो भी हम लोग नॉर्मल सूप वगैरह बनाते हैं उसमें हमको स्टार्ची वाटर चाहिए होता है, उसमें हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग मैंगो साबूदाना बना रहे हैं तो हमको इसमें मैंगो प्यूरे चाहिए,
तो यहाँ पे हम को छील के महीन महीन टुकड़े काट लिए हैं। अब इसकी हम लोग प्योरे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये जो दूध है जो हम लोग ने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे साबूदाना, क्योंकि साबूदाने को हम लोग ने धो के रख दिया था, इसका जो भी पानी है वो बिल्कुल निकल चुका है। अब इसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि हमने साबूदाने को धोया था, उससे इसका जो स्टार्च है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारे जो साबूदाने हैं बिल्कुल खिले खिले, इससे खीर हमारी साबूदाने की बनके तैयार होगी। तो साबूदाने को हम लोग दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद जो ये मैंगो प्योरे हम लोग ने तैयार की है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 1 कप मैंगो प्योरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको खीर में मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्योरे को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को डाल के हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा चीनी का टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि चीनी थोड़ा सा कम है तो पाउडर शुगर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी साबूदाने की मैंगो खीर बनके तैयार। और अगर आपको लगे कि खीर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप नॉर्मल दूध भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसको हम लोग लग देते हैं थोड़ी देर फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो थोड़ा सा ये और गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो वैसे तो ये खीर है इसी कंसिस्टेंसी की बहुत अच्छी लगती है। और अब हम लोग इसमें डाल देते हैं मैंगो के बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस जो हम लोग ने काट के रखे हुए हैं उसको इसमें डाल देते हैं। इससे जो इस खीर का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोई भी बाइट लेंगे उसमें आपको मैंगो ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी बनने वाली साबूदाने की टेस्टी और डिलीशियस मैंगो खीर बनके तैयार है। क्योंकि जो मैंगो होता है वो सिर्फ गर्मी के सीज़न में आता है, तो ये ठंडी ठंडी साबूदाने की खीर आप लोग इस समर सीज़न में ज़रूर बना के खाइए। अगर आपने ये खीर एक बार खा ली तो इसके बाद आप कोई भी खीर खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे आखिरी में हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे कटे हुए पिस्ता से। आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे साबूदाने की खीर की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।